हलो वन माई सेल्फ डॉक्टर आदित्य गुप्ता बाक इन दियर टू थाउजेंड आई सक इंडिया रैंक टेन इन एम्स एंड ऑल इंडिया रैक् सिक्स इन ई आई पी एम टी करेंटली परसुइंग माई डी एम इन पेडियाट्रिक ऑंकोलॉजी आफ्टर है डन मई एम डी इन पेडियाट्रिक अगेन फ्रॉम एम्स डेली सो इन दिस वेड आई वॉन्ट टू टॉक टू ऑल दस्प्रेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग मी क्या सर एक साल में एम्स निकाल सकते हैं क्या एक साल में एम्स डेली आ सकता हूँ सो आई टेल्यू समथिंग मोस्ट ऑफ दीपल हु ईप ऑन आस्किंग मी दिस क्वेश्चन आर आई दर या तो तुम अभी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आ रहे हो एंड यू हैव इंट यू डेंट रियली स्टार्ट इन इलेवन सो यूर आस् कि एक साथ निकाल सकते हैं और यू डिन नॉट स्टार्ट इन इलेवन एंड ट्वेल्थ एट ऑल एंड यू थिंक यू प्रॉब्ली वुड भी ड्रॉपिंग एट दिस इयर एंड इन नैक्स्ट वन ईयर यू सडनली वॉन्ट टू क्राक एम्स दैली सो कैन यू रेली क्राक एम्स दैली इन वन ईयर आई टेल यू द आंसर येस आई एम नॉट वन ऑफ दो फेक मोटिवेशनल स्पीकर जो तुम्हें uh, बकवास से ख्वाब दिखाएगा कि तीन महीने दो महीने पंद्रह दिन में तुम एम्स क्राक कर सकते हैं पंद्रह मिनट में एम्स क्राक कर सकते हैं नीट क्राक कर सकते हो बट वन यर जेनुअनली इज अ रियलिस्टिक टेम टाइम फ्रेम जिसमें इन विच यू कैन एक्चुअली क्राक एम्स एंड आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दर आई डिन नॉट वेस्ट माई इलेवन स्टैंडर्ड बट आई वॉज नॉट सीरियस ड्यूरिंग माई इलेवन स्ट स्टैंडर्ड आई वॉज नॉट आज सीरियस आई वॉज ड्यूरिंग माई ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एंड मैंने अपने एग्जाम के मार्क्स में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में एंड इन एवरी थिंग दट आई डिड ट्वेल्थ स्टांडर्ड में डिफरेंस देखा था एंड आई रियलाइज दैट येस इफ यू पुट योर हार्ड एंड सोल इन टू इट इन वन ईयर यू कैन क्रैक नॉट जस्ट नीट बट इवन एम्स दिली यू कैन गेट अ टॉप फिफ्टी रैंक आई गॉट अ टॉप टेन रैंक एंड नॉट जस्ट टॉप 10 रैंक आई गॉट अ रैंक 5 इन जापान रैंक 6 एन एम सो येस डेफिनेटली बट द प्रॉब्लम इज नॉट कि एक साल में कर सकते हो टाइम की कमी प्रॉब्लम नहीं है एक साल में किया जा सकता है हाँ किया जा सकता है कमी तुम्हारे अंदर है कैन यू चेंज योर आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन इन वन ईयर आई वॉज आई कुड नॉट रिकोगनाइज माई एलेवन्थ स्टैंडर्ड सेल्फ मुझे समझ नहीं आता था वो इलेवेंथ स्टैंडर्ड का बच्चा करता क्या था क्या तुम कर पाओगे क्या वो ग्यारहवीं क्लास का बच्चा जो बेमतलब है टाइम वेस्ट करता रहा वो चेंज हो पाएगा इस साल क्या वो बंदा जो बेमतलब में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने में लगा रहा है या नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देखने में लगा रहा है जिसको समझ ही नहीं आया एलेवन स्टैंडर्ड में क्या करना है बेमतलब में टाइम वेस्ट करता रहा और अचानक से उसे आज ही लग रहा है नहीं मुझे तो एम्स से नहीं निकाल रहा है तुम उसको दबा पाओगे उसको छोड़ पाओगे अपनी गल, गंदी आदत अपनी गलत आदतों को छोड़ पाओगे क्योंकि अगर नहीं छोड़ पाओगे तो क्या यार तुम एक साल क्या दो साल क्या तीन साल क्या दस साल में एम्स नहीं निकाल सकते सॉरी अगर तुम्हें बात सुन के बुरा लगे बट अगर एम्स अली को जन्नत मानते हो इफ़ यू कंसिडर एम्स अली टू बी हेवन देन यू मस्ट बी प्रिपेयर टू डाई टू गेट किट टू डैट हेवेन तुम्हें मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा नहीं तो एम्स अली नहीं आएगा एक साल में डेफिनेटली उस उस उसकी भी स्ट्रेटेजी भी तुम्हें बता दूंगा किसी और वीडियो में डेफिनेटली जो मैंने किया था किस तरह निकाल सकते हो बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इन लाइफ आई एक्चुअली बिलीव मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट नर स्ट्राटेजी क्योंकि तुम खुद को चेंज कर पाओगे तुम वो जज्बा ला पाओगे तुम क्या खुद दस से बारह घंटे रोज़ पढ़ पाओगे क्या तुम उतना पढ़ पाओगे क्या कि तुम खुद थक जाओ क्या वो मेहनत करने के लिए तैयार हो क्या वो कोशिश करने के लिए तैयार हो क्या अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार हो मुझे नहीं लगता तैयार हो क्योंकि अगर तैयार थे तो ग्यारहवीं में क्यों तैयार नहीं थे क्योंकि अगर तैयार थे तो इन ग्यारहवीं बारवीं में क्यों तैयार नहीं थे कि अभी ड्रॉप में तुम्हें तैयार रहना है पहले क्यों नहीं तैयार थे और अगर अभी हो तो कर पाओगे मेहनत चाहिए थकना पड़ेगा तुम्हें पर अगर थकोगे मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूं यार निकाल लोगे, कौन कहता है नहीं निकाल लोगे? करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवत जा दे सिर पर निशान। इस कहावत का ये मतलब है कि अभ्यास कर कर के एक बेवकूफ से बस बेवकूफ बंदा भी इंटेलिजेंट बन सकता है और एक रस्सी पत्थर पे भी निशान कर सकती है परंतु उसको इस कहावत का सबसे मूल मतलब यह है कि मेहनत करनी पड़ेगी सर मुझसे फिजिक्स नहीं हो रही ये क्या बकवास है मुझसे फिजिक्स नहीं हो रही इज द मोस्ट यूजलेस थिंग आई हर्ड तो क्या फर्क पड़ता है नीट को या एम्स को कि फिजिक्स नहीं हो रही करनी पड़ेगी नहीं कर सकते तो भूल जाओ अपना डॉक्टर बनने का सपना प्रैक्टिस करो यूट्यूब पे जाओ मेरे टाइम पे कोई यूट्यूब नहीं होता था मेरे टाइम पे कोई फेसबुक फेसबुक था डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूट्यूब था नहीं था पढ़ाई करने के लिए आज के ज़माने में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो यूट्यूब पे उसकी एक्सप्लेनेशन एक नहीं दस नहीं सौ मिलेंगी तो कैसे कह सकते हो तुम कि फिजिक्स सॉल्व नहीं होती मेहनत नहीं करते इसलिए फिजिक्स सॉल्व नहीं होती एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता दो करो दो नहीं हुए तो चार करो चार नहीं हुए तो सोलह करो सोलह नहीं हुए बत्तीस करो तब तक करो जब तो तक तो तुम्हारी तो तो फिजिक्स सॉल्व नहीं होती तब तो तक तो करो जब तक केमिस्ट्री सॉल्व नहीं होती बायो तो चलो सबको पता है एनसीआरटी पढ़नी है रट लोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है मेहनत तुम्हें छह सौ नंबर की नहीं साढ़े छह सौ नंबर की नहीं साढ़े सात सौ नंबर की करनी है ताकि सात सौ बीस आ जाए यह याद रखो

ये एग्जाम क्राक करना कोई बकवास सा खेल नहीं है जो यूट्यूब की मेरी एक वीडियो देख के तुम क्राक कर जाओगे नहीं तुम्हें ये वीडियो अभी बंद करके पढ़ाई करना पड़ेगा तब जाके क्राक करोगे तुम सोचते हुए खाते हुए हगते हुए जब सोचोगे एम्स दिल्ली के बारे में कि मैं अगला क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं कर रहा मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ इस क्वेश्चन को मैं सही करके दिखाऊंगा तब एम्स दिल्ली क्राक करोगे तब एक साल में दिल्ली क्राक कर सकते हो हाँ डेफिनेटली कर सकते हो पर अगर तुम YouTube पे लगे रहे अगर तुम Facebook पे लगे रह गए अगर उस लड़की के बारे में सोचते रहे या उस लड़के के बारे में सोचते रहे कि उसने क्या कर दिया क्या नहीं किया तो कभी एम से लिख रात नहीं होगा मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी इस बारे में कि उस एक साल में मैंने क्या चेंज किया था लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि कोचिंग और वो कैसे मैनेज की तुम तो मेहनत करके तो देखो यार कोचिंग कोचिंग और स्कूल और एन और बोर्ड्स और क्या सब कुछ मैनेज हो जाता है आज भी रात के चार बज रहे हैं देख रहो तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं क्योंकि मुझे पैशन है मुझे तो अच्छा लगता है ये वीडियो बनाना तो इसके लिए मैं टाइम निकालता हूं चाहे रात के चार क्यों ना बज जाए तो मैं है इतनी डेडिकेशन के रात के चार बजे बैठ के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो अगर है अगर कर सकते हो और ये मेहनत कर पाओगे तो एम्स दिल्ली तो क्या दुनिया का कोई जहां एग्जाम क्या भगवान तुम्हें मिलेंगे यार पर ये मेहनत करके दिखाओ सिर्फ बोलो मत कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ सिर्फ बोलो मत कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए क्योंकि तो चाहने वाले तो बहुत हैं उसके लिए मेहनत करने वाले जो हैं उनको मिलता भी है तो जाओ इस वीडियो को बंद करो और आज खुद को बोलो कि मैं बारह घंटे पढ़ूंगा जी जान लगा के पढ़ूंगा तब शायद उस वीडियो को देखना कि स्ट्रैटेजी कैसी होगी कि एम से निकाल पाओगे बिकॉज अगर दस बारह घंटे तुम तो नहीं पढ़ पाए आज तो उस वीडियो को भी मत देखना जो मैं बनाऊंगा स्ट्रैटेजी वाली क्योंकि वो तुम्हारे काम की नहीं है तुम तो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो शुक्रिया